फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम कोई रेसिपी लेकर नहीं आए हैं, आज हम आप लोगों को घरेलू सामान से पीतल और तांबा का बर्तन साफ करने का तरीका बताएंगे और बहुत ही इजी मेथड से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सब बर्तन है मेरे पास, तो चलिए हम जादुई पानी बनाते हैं। इसके लिए हम गुनगुना पानी लेंगे पहले। और इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे। और आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे इसमें। और 2 चम्मच हम विनेगर डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए अब ये लोटे को हमें इसका कलर देख रहे हैं कैसा है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर इसको हम डुबो के रखे हैं। इसको हम कुछ रगड़े उगड़े नहीं है, आपको हम पूरा लाइव दिखा रहे हैं। तो देखिए इसका कलर देख रहे हैं चेंज हो गया। ऐसे 10 से 15 मिनट हम रखेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स इसका कलर कितना चेंज हो गया है। स्कॉच ब्राइट लेंगे, उसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल के और इसको हल्के हाथों से हम घस देंगे। तो देख रहे हैं मेरा पूरा बर्तन साफ हो जाएगा। देख रहे हैं कलर। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना बाहर में सफा हो गया एकदम न्यू नया के तरह, और अंदर देखिए इसका कलर कैसा है। तो हम इसको दोनों को आपको साफ करके दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं कम मेहनत में एकदम फटाफट आपका बर्तन नए जैसा हो जाएगा पूजा का घर पे ही। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो चलिए इसे हम आपको धो के दिखाते हैं। देख रहे हैं कितना नया जैसा हो गया है लोटा। और इसका अभी देखिए अंदर कलर रगड़े नहीं है, इसलिए अंदर अभी ऐसा ही है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए ये पीतल का बर्तन मेरा कितना काला हो चुका है। तो चलिए इसके लिए हम नए ट्रिक आपको दिखाते हैं। लिए हैं 2 चम्मच टमाटर केचप है, ये सभी के घरों में होता है। और इसमें हम 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे। और ये लिक्विड है, इसको 1 चम्मच डाल देंगे। और बस इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, इसी तरह से हल्का हल्का रगड़ देना है। और इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही हम छोड़ देंगे। हम बर्तन के ऊपर अच्छी तरह से टमाटर केचप को लगा के इसी तरह छोड़ देंगे। हल्के हाथों से लगा के छोड़ देंगे और इसे 15-20 मिनट तक हम ऐसे ही रहने देंगे। और एक ऐसा स्कॉच लेंगे और इसको हल्के हाथों से हम रगड़ देंगे। देखिए हल्के हाथों से हम इसको सिर्फ रगड़ देंगे। तो देख रहे कितना साफ हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसे साफ कर लिए हैं, चलिए आपको इसे धो के हम दिखाते हैं। ये कितना नया जैसा हो गया है बर्तन। और इस ट्रिक को आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। तो देखिए एकदम कम मेहनत में एकदम नए जैसे पूजा के बर्तन साफ हो गए हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।